हमारा हिंदू परिवार, हिंदुस्तान का पूरा परिवार 125 करोड़ लोग हमारे साथ है, हम भी उनके साथ है और हमें पूर्ण आश्वस्त है कि हमारी यह मांग पूरी करेंगे, यही मेरी आशा है। कुछ पहले फैसिलिटीज थी, हालांकि वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन थी, वो भी सरकार ने विड्रा कर ली है। पहले स्कीम में एक प्रोविजन था कम्यूटेशन का, आप 1/3 अमाउंट जो आपका पेंशन का है आप उसको कम्यूट कर सकते हैं। बाद में वो भी जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने फॉरफिट कर ली, उसके बाद अगर 15 साल बाद वो रिस्टोर हो जाती, वो रिस्टोर नहीं होती। इसमें एक प्रोविज़न और था कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो पैसा नॉमिनी को मिलेगा, अब ये पैसा भी नहीं मिलता, वो पैसा सारा फॉरफिट हो जाता है। जो स्कीम के अच्छे फीचर्स थे वो सारे गवर्नमेंट ने यूनिलेटरी और विड्रा कर लिए। एक बात मैं और कहूँगा, अगर जो पैसे हमारे पेंशन में इकट्ठे होते हैं, अगर हम इसी की कोई LIC की पॉलिसी ले लेते तो हमें कम से कम 8-10 हज़ार से 15 हज़ार तक पेंशन मिलती, डिपेंडिंग अपॉन ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन यहाँ सिर्फ 200 से 2500 रुपए तक ही पेंशन मिल रही है। अब बताइए, मैं रिटायर हुआ हीरो ग्रुप से, मैं वहाँ पे GM होता था, कभी कभी मेरे कैश इन हैंड सैलरी जो थी 1.5 लाख थी, लेकिन पेंशन मेरे को सिर्फ 2600 रुपए मिल रही है। तो इसमें ये कोई डिफरेंस नहीं किया है, ये मजदूर है या कामगार है या मैनेजर है या GM है, उसकी सैलरी पेंशन एक ही है। थैंक यू। हम जितने हमारे अरमान थे, सारे अरमान हमारे, आप किस विभाग में सर्विस? मैं उत्तर प्रदेश चीनी निगम में था, और आज हमें स्वाभिमान से जीने का हक भी नहीं इस सरकार ने दे रखा। तो हम ये चाहते हैं अपनी केंद्रीय सरकार से, नरेंद्र मोदी से, कि हमारी इन सभी साथियों की जो जायज मांग है, न्याय संगत मांग है, उन्हें सुना जाए, अन्यथा वो भी अपना बिस्तर बांध लें। हम कमांडर रावत, अशोक रावत साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ रहे हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे हमें कितना भी बलिदान करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार 3 वर्ष से संघर्ष कर रही है और मोदी सरकार को अशोक रावत जी लगातार अवगत करा रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य से हम लोगों की मांगे मंजूर नहीं हुई है, हम लोग 250 से लेकर के 2500 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ, क्लास वन अधिकारी रहा हूँ, दुर्भाग्य से हमें 900 रुपये पेंशन मिल रही है और इतना पैसा हम जमा करते हैं तो कहीं भी तो हमको उससे ज़्यादा आपको ब्याज और उसका वो मिलता है। आज हम यहाँ मैदान में खड़े हुए हैं, हमारी मांग मंजूर नहीं हुई तो अशोक रावत जी यदि आदेश देंगे तो निश्चित रूप से हम इस शासन को पलटने की हिम्मत रखते हैं। आज हमारे इतने पेंशन भाई हैं कि हम कोई भी निर्णय शासन के खिलाफ ले सकते हैं, इसलिए हम आए हैं। यदि हमारा समर्थन होता है तो हम शासन का विरोध करेंगे, अन्यथा हमें मजबूर होकर के विकल्प चुनना पड़ेगा। ये पेंशन योजना इतनी अच्छी है हम लोगों के लिए तो ये अपने MP और MLA के ऊपर ये लागू नहीं करते और उनको 3-3 पेंशन मिल जाती हैं और हम लोग आजीवन नौकरी करने के बाद में अपना यहाँ अंशदान जमा करने के बाद भी हमें पेंशन नहीं मिलती है। यदि हमारी आज यहाँ जंतर मंतर पर मांगें पूरी नहीं की गई तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी के साथ मिलकर के जो निर्णय होगा, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े और चाहे हमारे साथ आज हमारी पत्नी और हमारी बीवी और हमारे संबंधित साथी जितने भी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको मिलकर के हम 65 लाख की संख्या में, वो 65 लाख का गुणा कर दीजिए आप 10 में, तो हम सरकार को प्रभावित कर सकते हैं और हमारी मांगों के लिए हम आत्मदाह से लेकर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं लक्ष्मीचंद भारती उत्तर प्रदेश प्रबंध निगम से हूँ, मैं यहाँ वादा करता हूँ कि आज प्रबंध निगम से लेकर के जितने भी निगम हैं और हमारे ऊपर ये हमारी मांगें लागू नहीं की गई तो हम यहाँ पर कोई भी कहीं भी हमारे राष्ट्रीय निर्देशानुसार हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, यही मेरा कहना है। पेंशनर है, लेकिन 2 साल से हमारे कमांडर साहब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार उनके राजी नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं लेकिन हम दवा नहीं कर सकते। दो दो लोग, दो परिवार, मियां बीबी जो बुजुर्ग हैं हम लोग,
हम लोग अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते। 200 रुपये 2000 रुपये में क्या होगा? और जो आज हम निर्देश लेंगे हमारे कमांडर साहब, उसको हम सभी लोग पालन करेंगे। अगर वो सरकार ये समझती है कि ये गरीब है, इनको हम नहीं देखें, लेकिन हमें सरकार तो पहले अगर आप देखें तो पिछली जो एनडीए की सरकार थी उसने ही पेंशन को ख़त्म किया था, और वाजपेयी जी जो आदरणीय वाजपेयी जी मरे तो उनको 8 पेंशन मिल रही थी, एक नहीं 8। तो फिर आप इनसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपका नहीं, उनको अगर यही लगता है तो हमारे पास सारे ऑप्शन है। हम यह नहीं कि हम मजबूर हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत बड़ी पावर है और उसमें बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन के ऊपर आज हमारे कमांडर साहब कुछ हम बहुत ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि अगर जो यही समझते हैं कि हम इनके बराबर में रहें तो हम इनके बराबर भी होके हम अपने जो सारे ऑप्शन हमने आपको रखे हैं वो ज़्यादा मैं उसमें बोलूँगा। आवाज हमारे कमांडर साहब जो निर्णय करेंगे वो हम सभी को माननीय होंगे और हम सब लोग कमांडर साहब के साथ एक साथ। थैंक यू सर, धन्यवाद।